लस्ट स्टोरीज ट्रेलर करण जौहर ने बताया क्या होता है शहरी लोगों के बेडरूम में। ब्राह्मण नमन और लव पर स्क्वायर फुट के बाद इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग चैनल नेटफ्लिक्स ने तीसरे ओरिजिनल इंडियन फिल्म लस्ट स्टोरीज का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। इसे चार दिग्गज फिल्म मेकर्स करण जौहर, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप और दिब्बाकर बैनर्जी ने मिलकर बनाया है। इससे पहले यह चौकड़ी साल 2013 में फिल्म बॉम्बे टॉकीज लेकर आई थी। फिल्म लस्ट स्टोरीज में चार छोटी कहानियां हैं। सभी कहानियां मॉडर्न रिलेशनशिप की थीम पर पेश की गई हैं। राधिका आप्टे, भूमि पेडनेकर, मनीषा कोइराला और कियारा आडवाणी लीड रोल में हैं। वहीं विकी कौशल, संजय कपूर, जयदीप अहलावत और आकाश ठोसर भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। लस्ट स्टोरीज में अनुराग कश्यप की फिल्म एक शादीशुदा प्रोफेसर की कहानी है जिसका अफेयर उसके स्टूडेंट के साथ होता है। राधिका आप्टे ने प्रोफेसर का रोल निभाया है। वहीं आकाश ठोसर ने स्टूडेंट के रोल में नजर आ रहे हैं। जोया अख्तर की फिल्म एक आम वाली बाई की कहानी है जिसे अपनी मालकिन के बेटे से प्यार हो जाता है। भूमि पेडनेकर ने इस फिल्म में लीड किरदार निभाया है। करण जौहर की फिल्म में विक्की कौशल और कियारा आडवाणी नजर आएंगे। दोनों की नई नवेली शादी हुई है, मगर ट्रेलर देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि लड़की इस शादी से खुश नहीं है। संभवत यह एक लेस्बियन की कहानी है जिसकी शादी एक लड़के से हो जाती है। फिल्म में नेहा धूपिया भी हैं। दिब्बाकर बैनर्जी की फिल्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर आधारित है। फिल्म में मनीषा कोइराला ने ऐसी पत्नी का किरदार निभाया है जिसका अफेयर उसके पति संजय कपूर के दोस्त जयदीप अहलावत से रहता है। फिल्म लस्ट स्टोरीज 15 जून को रिलीज होगी। नेटफ्लिक्स के जरिए 190 देश के लोग इसे देख सकेंगे। रॉनी स्क्रूवाला और आशी दुआ ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। देखिए फिल्म का ट्रेलर।